नमस्कार, मैं आदर्श मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के चैप्टर सेकंड के, जो कि टॉपिक है हमारा हार्डवेयर। तो हम हार्डवेयर के बारे में बात करने से पहले कुछ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हार्डवेयर में आता है और आप इसे आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। हम बात करते हैं IPS चार्ट के थ्रू की हार्डवेयर में क्या क्या आता। तो इसमें सबसे पहले हमने पांच भागों में डिवाइड कर दिया, पांच पार्ट में, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट में आप देख सकते हैं, इनपुट में हमने कई जो भी हमारे हार्डवेयर हैं उसको मैंने दे रखा है, जैसे MICR, स्टाइलस, स्कैनर, जॉयस्टिक, जो है पूरा जो है डिटेल्स में दे रखा है। तो आप इसको अलग अलग पढ़ के पूरा आप याद कर सकते हैं। दो से तीन बार अगर आप जो है इसको रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देन हम प्रोसेस में बात करते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर, रैम या रोम, मदरबोर्ड आता है। देन हम बात करते हैं आउटपुट में, तो आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर आता है। हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज में आप सभी लोग जानते हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में तीन चीजें आती हैं, CD, DVD, ब्लूरे, और इसके साथ साथ पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, टेप ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये भी जो है आपका हार्ड डिस्क में आता है। देन हम बात करते हैं, ये सारे चीजें आपके हो गए हार्डवेयर। अब हम हार्डवेयर में कीबोर्ड की बात करते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाया गया कीबोर्ड का जो फिगर की पिक्चर, कैसे कीबोर्ड होता है और उसमें कौन कौन सी की होती है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्वालिटी कीबोर्ड है और इसमें आप समझ सकते हैं, जैसे आप फंक्शन की अलग से दे रखा गया, कैपिटल लॉक कहाँ से होता है, कैपिटल ऑन कहाँ से होता है, कंट्रोल से पूरी विंडो की कौन सी है, स्पेस बार क्या है, पूरा उसमें जो है मैंने कीबोर्ड में जो है आपको फिगर में जो है पूरा समझा दिया है कि किस तरीके से आपको क्या क्या समझना है, कौन सी की क्या होती है। अगर आप कीबोर्ड के बारे में अभी तक परिचित है तो आपको यहाँ से कीबोर्ड के पिक्चर को देख कर आप कीबोर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज पा जाएंगे। देन हम बात करते हैं जो हमारा आजकल का कीबोर्ड लेटेस्ट आ गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी का कीबोर्ड आ गया है, बी राइडर कीबोर्ड, जो आप देख सकते हैं कि एक ही बटन से जो दो दो तीन तीन वर्ड लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी आया है। तो इसके लिए ये कीबोर्ड जो है प्राइवेट कॉरपोरेट्स में ज़्यादा यूज किया जाता है, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस कीबोर्ड का जो यूज नहीं किया जाता है, आप देख सकते हैं। और इसमें फंक्शन की सेम उसी तरीके जैसे क्वालिटी कीबोर्ड में थी, वैसे इसमें बी राइडर कीबोर्ड में भी दी गई हैं। फंक्शन की और नंबर की जो है वो अलग अलग हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। बस जो कीबोर्ड आपका सीधा स्ट्रेट कीबोर्ड था उसको इसमें जो है न्यू डिजाइन करके कीबोर्ड बनाया गया है। देन हम आगे बात करते हैं माउस की, तो माउस आप जानते हैं कि इसमें एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको जो है ये भी एक हार्डवेयर में आता है। इसमें क्या क्या जुड़ा होता है आप देख सकते हैं, बॉल होती है, एक्सेस सॉफ्ट होता है, लेफ्ट बटन, सेंसर, राइट बटन, इन्फ्रारेड LED, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जो ट्रैक बॉल होती है, ये मेनली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो माउस में ट्रैक बॉल होता है वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको हार्डवेयर पे टिक करेंगे, हार्डवेयर है। देन हम आगे बात करते हैं OCR की, तो OCR का फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइशन। इसको जो है सबसे ज़्यादा जो आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि इसको कैसे आपको जो है रीड कराना, जैसे आप जाते हैं कहीं पे मेट्रो में अगर आप सफ़र करते हैं तो कार्ड रीड कराते हैं, वो OCR के थ्रू वो कार्ड जो है रीड करता है और उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिकली डेटा जो है सिस्टम पे शो कर देता है। तो यहाँ पे OCR का ये यूज होता है। देन हम बात करते हैं OMR की, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसको आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, OMR सीट रेगुलर भरते हैं कोचिंगों में, इंस्टीट्यूट में स्पीड टेस्ट देते हैं, तो आपको OMR भरना आता है, तो आप जानते हैं ये बारकोड जो है इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, उसी से जो है इसको स्कैन कर लिया जाता है, पूरी डिटेल जो है आपकी स्कैन हो जाती है और इसमें आ जाती है। देन हम बात करते हैं MICR की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आप एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, आप यहाँ पर एक चेक दिया गया है और इसमें कुछ कोड दिया गया, कलर दिया गया हुआ है, तो इससे जो है कुछ कैरेक्टर इसके होते हैं जिसके थ्रू हम जान जाते हैं कि जैसे MICR में क्या होता है कि बैंक की डिटेल, ब्रांच की डिटेल और जो है सिटी की डिटेल दी जाती है, प्लस लास्ट में जो 2 डिजिट होते हैं उसमें जो है अकाउंट की डिटेल दी जाती है। देन हम बात करते हैं स्टाइलस की, तो स्टाइलस पहले स्टाइलस का यूज ज़्यादा होता था, अब इसका प्रयोग कम हो गया है क्योंकि पहले जो फ़ोन आते थे स्क्रीन टच फोन जो भी आते थे विदाउट स्टाइलस नहीं चलते थे। अब आजकल जो फोन चल रहे हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन, आईफोन चल रहे हैं, इसमें आपके फिंगर से पूरा काम जो है हो जाता, तो अब स्टाइलस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। देन हम बात करते हैं स्कैनर की, तो स्कैनर आप भी जानते हैं कि कल भी परसों भी जितने पहले भी स्कैनर का उतना यूज था, उससे ज़्यादा यूज आज भी हो रहा है स्कैनर का। ये भी डिवाइस जो है स्कैनिंग के लिए होती है और इसमें पोस्टर, पिक्चर्स, जो भी सारी चीज़ें इसमें पेपर्स स्कैन करते हैं, और ये भी हमारा हार्डवेयर में आता है। देन बात करते हैं जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक आप देख सकते हैं आपके सामने है, एक इनपुट डिवाइस है और इसमें जो है पायवट्स के बेस से जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं,
अब ये डायरेक्शन डिवाइस को जो कंट्रोल करता है कि कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, कैसे इसको कंट्रोल करना है। देन हम बात करते हैं वेबकैम की। तो वेबकैम तो आप जानते हैं कि आपके लैपटॉप में भी वेबकैम होता है और जो है कंप्यूटर्स में और जगह जगह वेबकैम लगाए जाते हैं यूएसबी पोर्ट के थ्रू, जो एक एरिया को हम सिक्योरिटी, आजकल जो है सबसे ज्यादा हम वेबकैम का यूज सिक्योरिटी पर्पज के लिए करते हैं। और आप देखते हैं कोचिंगों में, इंस्टीट्यूटों में आपके फोटो क्लियरिटी के लिए वेबकैम का यूज होता है, आपके एडमिशन के लिए वेबकैम का यूज किया जाता है। देन हम बात करते हैं लाइट पेन की। तो लाइट पेन आप देख सकते हैं ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये सेंसिटिव होती है और इसमें जो है मेनली ये माउस के तरीके से होता है, जैसे माउस के हम पॉइंट को क्लिक करते हैं उसी तरीके से इसके पेन का जो पॉइंट होता है सेम माउस के तरीके का होता है, स्क्रीन पे क्लिक करके हम इसको डायरेक्टली जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं ट्रैक बॉल की। तो अभी हमने सबसे पहले आपको बताया कि माउस में जो ये बॉल होती है गोल आकार की, ये ट्रैक बॉल होती है, विदाउट इसके जो है माउस नहीं चल सकता है। देन बात करते हैं टच पैड की। तो आप सभी लोग देख सकते हैं टच पैड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका लैपटॉप है जो ट्रेडिशनल आ गए हैं नए टेक्नोलॉजी के, इसके साथ साथ आपके मोबाइल फोन्स हैं और एटीएम मशीन्स की जो डिस्प्ले है वो भी आपके टच पैड में आती है। ये आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक है, तो आजकल बायोमेट्रिक का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। बायोमेट्रिक में आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर, फेस, फिंगरप्रिंट, हैंड, आयरस, डीएनए, की स्ट्रोक, सिग्नेचर, वॉइस, ये सारी चीजों से आपका बायोमेट्रिक होता है। आजकल कॉर्पोरेट्स में तो हर जगह पर बायोमेट्रिक है, इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर कंपनियों में भी, बैंकों में भी आजकल जो है बायोमेट्रिक्स का यूज होने लगा है। देन बात करते हैं माइक्रोफोन की। तो माइक्रोफोन आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोफोन का यूज गेमिंग के लिए, ऑनलाइन चैटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। देन हम बात करते हैं टच स्क्रीन की। तो टच स्क्रीन अभी मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि टच स्क्रीन सिस्टम पे, मोबाइल पे, पीसी पे आप यूज करते हैं। फिर आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आप कभी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर जो भी एक स्टिकर लगा होता है इसमें बारकोड बना होता है, तो वहां पर जब आप सिस्टम पे बिल के काउंटर पे जाते हैं तो आप बारकोड से रीड करके और आपका जो पूरा उसका प्राइस आ जाता है उसका डिटेल देता है, वो एग्जांपल है बारकोड रीडर का, आप समझ सकते हैं। देन बात करते हैं क्यूआर के, क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर की। तो इसका सबसे ज्यादा यूज आजकल जो होता है बैंकों में आप बैलेंस इंक्वायरी के लिए करते हैं, व्हाट्सएप आप चलाते हैं तो सिस्टम पे वेब व्हाट्सएप चलाते हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड का आप जो है स्कैन करते हैं, वहां से आप व्हाट्सएप चलाते हैं, तो सबसे आसान एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं क्यूआर कोड क्या होता है, कैसे होता है। देन बात करते हैं सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू में क्या क्या आता है आपको भी पता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड बैकिंग स्टोर जो है आता है। तो इसमें जो मेनली तीन आते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है किसमें कौन सा सीपीयू का पार्ट नहीं है, तो आपको ऑप्शन दिया रहता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों ऑप्शन में अगर कोई भी ऑप्शन है या दो ऑप्शन है या तीनों है तो ए बी सी तीनों सही है, दो जो है तो ए व बी सही है, ऐसे आपको टिक करना है और ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है। देन बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड के क्या क्या कंपोनेंट है, मदरबोर्ड में क्या क्या आता है, मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसमें जो इसके मेनली कंपोनेंट होता है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस होता है, एक्सपेंशन स्लॉट और इंटरकनेक्टिविटी सर्किटरी होती है। देन बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, एलसीडी, प्लॉटर, स्पीकर आदि आते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में जो है आप देख सकते हैं सीआरटी, टाइप्स ऑफ मॉनिटर में सीआरटी, एलसीडी, टीएफटी, एलईडी, ये सारे जो है आते हैं जो है आपके जो है आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर्स में टाइप। इसमें जो वीडियो को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है, इसका क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो, कई ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो आपको इसको टिक करना है। देन बात करते हैं मॉनिटर की टाइप की। तो सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब, ये बहुत ही बड़े आकार का होता है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्पेस लेता है, सबसे ज्यादा स्पेस लेने सबसे पहले जो यही चलते थे और आजकल जो ट्रेंड चेंज हो गया है, तो ये आकार ज्यादा लेते हैं सिस्टम रखने के लिए। देन बात करते हैं एलसीडी, तो आजकल ट्रेंडिंग में है, आप भी जान सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये आजकल ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। देन बात करते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर में एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डिकोड, ये जो है सबसे ज्यादा आजकल यूज हो रहा है। ये क्या होता है कि ये जो है एलईडी के बेस पे होता है, लाइट इसका लाइटली वेट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डिकोड एलईडी। तो ये जो है क्वेश्चन आपका इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। देन बात करते हैं एलसीडी और एलईडी के बीच में डिफरेंस की। तो डिफरेंस में आप देख सकते हैं कंट्रास्ट इसका गुड नहीं एलसीडी का, एलईडी का गुड है। कलर एक्यूरेसी भी आप देख सकते हैं एलईडी की ज्यादा गुड है। मॉनिटर कंज्यूम जो आपका पावर भी है, पावर एलईडी कम लेता है। आप ये सारे आपको जो है मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की, इसको आप
दो से तीन बार आप रीड करें, आपको क्लियर जो है पूरा नॉलेज हो जाएगी। देन बात करते हैं प्रिंटर की, तो प्रिंटर में आप भी जानते हैं कि प्रिंटर दो तरीके से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर में आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक पेपर डायरेक्टली होता है प्रिंटिंग के टाइम। नॉन इम्पैक्ट में जो आपका होता है, देखिए लिखा हुआ है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट स्ट्राइक पेपर डायरेक्टली व्हाइल प्रिंटिंग। दूसरा आपका डिफरेंस जो है, ये प्रिंटर जो है आवाज करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, जबकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें जो है नॉइज नहीं होती, आवाज नहीं आती। थर्ड में आप देख सकते हैं डिफरेंस, इम्पैक्ट प्रिंटर इकोनॉमिक होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है कॉस्टली होता है, तो इसलिए लोग जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज ज्यादा करते हैं। देन बात करते हैं इम्पैक्ट की, तो प्रिंटर का इम्पैक्ट क्या है, तो इसमें जो है डेजी व्हील प्रिंटर जो है आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हो गया हुआ है, मैंने डेफिनेशन में दिया, डेजी व्हील प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर टेक्नोलॉजी यूजेज इंटरचार्जेबल प्री फॉर्म्ड बाय एलिमेंट टू जनरेट हाई क्वालिटी आउटपुट कंपैरेटिव टू प्रीमियम टाइपराइटर्स। तो ये जो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, डीजी व्हील प्रिंटर हो गया। देन बात करते हैं टेली टाइपराइटर प्रिंटर, तो इसका आज भी यूज, सबसे ज्यादा यूज आप तहसील के चेहरी में देखते हैं, कहीं भी टाइपिस्ट की दुकान पर जाते हैं सबसे ज्यादा यूज जो है आज भी इसका होता है। ये बहुत ही लो प्राइस में इसका जो है हो जाता है प्रिंटिंग, आपकी टाइपिंग हो जाती है। देन बात करते हैं इम्पैक्ट की, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा, ये जो प्रिंटर आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसका सबसे ज्यादा यूज रेलवे में होता है। रेलवे के साथ साथ आप रेस्टोरेंट होटल्स में जाते हैं तो वहां पर बिलिंग के लिए आपका जो है इसी प्रिंटर का यूज सबसे ज्यादा होता है। देन बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट की, तो ये आपका नॉर्मल प्रिंटर है, आप भी जानते हैं कि हर जगह मैक्सिमम इसी का यूज होता है। किसी भी संस्थान में चले जाए, कॉर्पोरेशन में चले जाए, कंपनी में चले जाए, बैंक में जाए, तो सबसे ज्यादा इसी प्रिंटर का यूज होता है। देन हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी ये इंकजेट प्रिंटर होता है। इसमें जो है बेसिकली क्या होता है कि इसमें डिजिटल इमेज के फॉर्म में जो है ज्यादातर प्रिंटआउट दिए जाते हैं, प्रिंट दिए जाते हैं। इसमें प्लास्टिक के लिए भी, प्लास्टिक आई कार्ड वगैरह के लिए जो यूज होता है प्रिंटिंग का, इसी इंकजेट प्रिंटर से ही होता है। देन बात करते हैं थर्मल प्रिंटर, तो थर्मल प्रिंटर आप देख सकते हैं कि जो आप बस में ट्रेवल करते हैं, रोडवेज में ट्रेवल करते हैं, तो उसमें जो टिकट काटा जाता है उसमें थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। अब आपको एक, मैंने जो आप देख सकते हैं थ्री डायमेंशनल प्रिंटर, जो 3D प्रिंटर जो है, इसमें पूरा पिक्चर वाइज पूरा डिजाइनिंग, जैसे आप किसी को गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट करने के लिए आप कप खरीदते हैं, तो कप जो डिजाइन उसका फोटो पिक्चर वगैरह कुछ जो है नोट वगैरह आप लिखवाते हैं, तो उसमें जो प्रिंटिंग होती है 3D प्रिंटिंग के थ्रू होती है। आगे हम बात करते हैं प्लॉटर की, तो प्लॉटर से आप सभी लोग परिचित हैं कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम की बैनर पोस्टर लगे होते हैं, इलेक्शन आते हैं उसके कैंडिडेट्स के जो पोस्टर लगे होते हैं, प्लॉटर से प्रिंटिंग होती है, बड़े साइज की प्रिंटिंग के लिए प्लॉटर का यूज होता है। देन बात करते हैं प्रोजेक्टर की, तो आज का ट्रेडिशनल टाइम चला, ट्रेडिशनल टाइम में जो है जो भी स्टडी होती है, अच्छे संस्थानों में आप जाएंगे, छोटे से छोटे संस्थान में आप जाएंगे, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू स्मार्ट वे में आप आजकल टीचिंग की जा रही है, तो यहाँ पर प्रोजेक्टर का यूज होता है। मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए भी प्रोजेक्टर का यूज आजकल किया जाता है। स्पीकर से आप सभी लोग परिचित हैं, तो स्पीकर के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि आपका क्या होता है। ये भी एक्सपेरिमेंट जो है एक्सटर्नल कंप्यूटर होता है, उसमें जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, देन इसका यूज करते हैं। देन बात करते हैं स्टोरेज की, तो मेमोरी कार्ड रीडर, USB, एक्सटर्नल ऑप्टिकल डिवाइस होता है, मीडिया डिवाइसेज, जिप डिवाइसेज जो है होती हैं। थैंक यू, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, थर्ड वीडियो में जो आपको कंप्यूटर के तीसरे चैप्टर में भी जानकारी देंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बाद बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।